या देवी सर्वभूतेषु मतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भारत के कोने कोने में नवरात्रि का त्योहार बड़ी धामधूम से मनाया जाता है। प्रांतीय एवं लौकिक मान्यताओं एवं रीति रिवाजों से माँ की आराधना की जाती है, जिसे जानना हमारे लिए गौरव की बात है। रीति रिवाज भले ही अलग हो, परंतु लक्ष्य एक ही है, और वो है माँ नव दुर्गा की आराधना से उनके आशीर्वाद प्राप्त करना। फिर चाहे वो भारत का उत्तरी भाग हो या फिर दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग हो या फिर पश्चिमी भाग, सभी जगह पर नवरात्रि के दौरान विभिन्न परंपराओं से माँ की पूजा की जाती है। माँ की आराधना के साथ जीवन आनंद के लिए उत्साह के साथ सत्संग भजन, रास गरबा एवं नृत्य नाटिकाओं का भी आयोजन किया जाता है। नवरात्रि भारत के विभिन्न भागों में कई प्रकार से मनाई जाती है। गुजरात में बड़े पैमाने पर रास गरबा का भव्य आयोजन करके तप जप एवं आनंद के साथ नवरात्रि मनाई जाती है। विश्व प्रसिद्ध इस रास गरबा की शुरुआत कैसे हुई, यह भी एक रसप्रद विषय है। सालों पहले ताल बजाकर किए जाने वाले नृत्य को लासक एवं रासक कहा जाता था। जिस नृत्य की परंपरा को पार्वती जी ने बाणासुर की पुत्री उषा को दी, उषा ने द्वारिका में आकर यह कला गोपियों को सिखाई और गोपियों ने सौराष्ट्र की स्त्रियों को सिखाई। इस तरह यह नृत्य प्रचलित हुआ। माँ पार्वती ने दी हुई इस नृत्य की परंपरा से हम उनकी भक्ति करें, उसी उद्देश्य से माँ देवी के चरणों में प्रार्थना के तौर पर यह रास गरबा खेला जाता है। गुजरात के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र में भी बड़ी ही धामधूम से यह त्योहार मनाया जाता है। तो पश्चिम बंगाल में देवी दुर्गा का बड़ा महात्म्य है। यह पूरे 9 दिन जप तप और अनुष्ठानों के साथ देवी दुर्गा की प्रतिमा का पूजन होता है। इसके अलावा असम, बिहार, झारखंड, मणिपुर, उड़ीसा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में व्यापक रूप से मनाए जाने वाले इस पर्व पर 5 दिनों की छुट्टियां रहती है। बंगाली हिंदू समाज में सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से यह सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। यहाँ पर होने वाली दुर्गा पूजा को अकाल बोधन कहा जाता है, जिसका अर्थ है देवी दुर्गा का असामायिक जागरण। इसके अलावा शरद ऋतु में यह पर्व आने के कारण बंगाली भाषा में शरदोत्सव, पतझड़ का उत्सव, महापूजो, मायर पूजो अथवा पूजो भी कहा जाता है। बात करें अगर भारत के दक्षिण भाग की, तो मैसूर में प्रत्येक राजसी क्वार्टर्स को पूरे महीने रोशनी से सजाया जाता है और धार्मिक पूजा विधियों से देवी की उपासना की जाती है। कर्नाटक में इसे मैसूर दशहरा, तमिलनाडु में बोमाई गोलू और आंध्र प्रदेश में बोमाला कोलुबू के रूप में मनाया जाता है। भारत में तो ये त्योहार मनाया ही जाता है, किंतु अब तो हमारे त्योहारों की परंपरा विदेशों में भी बड़ी धामधूम से मनाई जाती है। विभिन्न देशों में भारत की तरह ही माँ नव दुर्गा के स्वरूपों की पूजा होती है और साथ में हमारी विविध परंपराओं के दर्शन भी होते हैं। वैविध्यता सभर इस नवरात्रि के 9वें दिन आइए जानते हैं देवी दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री को। आज दर्शन करेंगे माँ के तीर्थ धाम के और श्रवण करेंगे माँ के महिमा की कथा का, और साथ में ही जानेंगे नवरात्रि के 9वें दिन करने जैसी कुछ खास बातों को। मास अश्विन, तिथि नवमी, पक्ष शुक्ल, नक्षत्र पूर्वाषाढ़, ऋतु शरद। 9वें दिन के दर्शन। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। अनेक सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी की कृपा अगर जीवन में नहीं हुई तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इनकी उपासना पूर्ण करने से भक्तों और साधकों को लौकिक तथा परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति मिलती है। अणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इषित्व और वशित्व, यह 8 सिद्धियों का वर्णन हमें शास्त्रों में से मिलता है। इन सभी सिद्धियों की दात्री माँ सिद्धिदात्री को माना गया है, जिनका हमारे शास्त्रों और पुराणों में भी उल्लेख प्राप्त है। माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत कांतिमय, करुणामय और प्रेम रस से परिपूर्ण है। देवी की 4 भुजाएं हैं। यह वनराज सिंह पर विराजमान है, देवी कमलासन पर भी विराजमान है। देवी ने हाथ में कमल का पुष्प धारण किया है। माँ की कृपा अगर जिस भक्त पर हो गई तो वह जीवन संसार के सभी सुखों को भुगतता है, मोक्ष की तरफ गति करता है, क्योंकि सभी सिद्धियों को देने वाली माँ सिद्धिदात्री ही हमारी सभी मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण कर सकती है। 9वें दिन माँ की प्रतिमा के सामने बैठकर दीपक प्रज्वलित कर माँ का पंचोपचार से पूजन कर
देवी को भोग लगाकर उनका पूजन करना चाहिए। पूजन हो जाने के बाद या देवी सर्वभूतेषु सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इस मंत्र के जप करने चाहिए। जितने हो सके उतने इस श्लोक के जप करने से देवी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। देवी की आराधना से ही हमारा जीवन सुखमय व्यतीत होता है। आज दर्शन करते हैं मध्य प्रदेश में स्थित मां सिद्धिदात्री मंदिर के। मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है यह प्राचीन मंदिर। भारत में सिद्धिदात्री के कई मंदिर हैं, परंतु इस मंदिर में लोगों की श्रद्धा अटूट है। यहाँ पर मंदिर के आसपास के भक्तों आते ही हैं, किंतु मां सिद्धिदात्री के अनेक चमत्कारों से लोग दूर दूर से यहाँ पर खींचे चले आते हैं और माँ के चरणों में अपना शीश झुकाकर माँ की आराधना करते हैं। देवी के चमत्कारों का अनुभव बहुत सारे भक्तों ने किया है। कोई यहाँ पर अपनी मन्नत पूरी करने के लिए पैदल यात्रा करता है, तो कोई दंडवत यात्रा करता है। सालों से यहाँ पर विराजमान देवी के दर्शन से ही लोगों का जीवन धन्य हो जाता है। खास तौर पर नवरात्रि के दिनों में संपूर्ण मंदिर को सजाया जाता है। नवरात्रि के नौवे दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने का विशेष महात्म्य है, क्योंकि यह दिन नवरात्रि का अंतिम दिन है। नौ दिनों से लगातार माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा आराधना करने के बाद सभी भक्त माँ के चरणों में नतमस्तक होकर फल के स्वरूप माँ की निरंतर कृपा की मांग करते हैं। माँ सिद्धिदात्री यहाँ पर आते भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर उनका जीवन सिद्धियों से भर देती है। नवरात्रि के अंतिम दिन यहाँ पर विशेष पूजा का आयोजन होता है। माता का सुवर्णमय आभूषणों से अमूल्य रत्नों के हार तथा विभिन्न वस्त्रालंकारों से श्रृंगार किया जाता है। इसी स्वरूप के दर्शन के लिए दर्शनार्थी उमट पड़ते हैं। सुबह में देवी के श्रृंगार की आरती के साथ दिन की शुरुआत होती है। भक्त यहाँ आकर नवरात्रि पूर्ण होने पर देवी के नौ स्वरूपों का मंत्रों से यज्ञानुष्ठान करते हैं। आज यहाँ पर विराजमान देवी सिद्धिदात्री अनेक लोगों के जीवन में अपनी कृपा बरसा कर उनका जीवन अखंड ज्योत की तरह प्रकाशमान बनाती है। आज के दिन की महात्म्य कथा। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने देवी सिद्धिदात्री की कृपा से ही अणिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था, जिसे हम अर्धनारीश्वर के रूप में पूजते हैं। जो भगवान शिव को भी सिद्धियां प्रदान करने वाली है, उनकी उपासना से हमारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती है। अन्य आठ दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के नौवे दिन उनकी उपासना में प्रवृत्त होता है। माँ सिद्धिदात्री की उपासना से साधक के लिए माँ परम भगवती का सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के लिए उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। नवरात्रि के नौवे दिन कुछ खास ध्यान में रखने जैसी बातें। माँ सिद्धिदात्री नवदुर्गा का नौवा स्वरूप है, अतः उन्हें नारायणी शतावरी भी कहा जाता है। शतावरी एक गुणकारी औषधि है, जिसे आयुर्वेद में महत्वपूर्ण औषधि माना गया है। शतावरी बल एवं बुद्धि को तीव्र करने में सहायक रूप है। नवरात्रि का अंतिम दिन महानवमी के नाम से जाना जाता है। इस दिन कन्या पूजा का विधान है। इस दिन नौ कन्याओं की पूजा होती है, जो अभी तक यौवन की अवस्था तक नहीं पहुंची है। इस नौ कन्याओं को देवी दुर्गा के नौ रूपों का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की जाती है। बड़े प्यार से स्वागत कर इनके पैर धोए जाते हैं और उन्हें भोजन करवाया जाता है। भोजन करवाने के बाद उनकी पूजा कर उन्हें उपहार के रूप में नए कपड़े या फिर उनके जीवन से जुड़ी वस्तुओं का दान दिया जाता है। तो इस तरह भारत में नवरात्रि विभिन्न राज्यों में बड़े उल्लास के साथ मनाई जाती है। भारत में मां सती की 51 शक्तिपीठें हैं। हर एक शक्तिपीठ पर देवी के शरीर के विभिन्न भाग गिरे थे, जिससे कि वह स्थल शक्तिपीठों में परिवर्तित हो गए। इन सभी शक्तिपीठों पर विराजमान देवियों के स्वरूप की भी आप नवरात्रि के दौरान उपासना कर सकते हैं। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप जिस देवी में श्रद्धा रखते हो उनका शास्त्रोक्त या पुराणोक्त विधि से मंत्र जप करें व अनुष्ठान करें।
इसी के साथ माँ नव दुर्गा आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे और आपका जीवन सुखमय समृद्धिमय एवं शांतिमय बनाए, वैसी माँ नव दुर्गा के चरणों में प्रार्थना करते हुए आइए नवरात्र की इस यात्रा को माँ नव दुर्गा की आरती के साथ पूर्ण करते हैं।